नमस्कार आदाब, फिर से न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाविर हुसैन जैदी। इस टाइम हम मौजूद हैं रशीद नगर के इलाके में और यहां पर काफी भीड़ है, लोग मतदान कर रहे हैं। पूरी तरह से मतदान का उत्सव मनाया जा रहा है और जिस तरह से ये दूसरे फेज का मतदान यहां पर हो रहा है, मेरठ में है और देख सकते हैं मेरे पीछे आप लोगों को, यहाँ लोग भारी तादाद में वोट डालने जा रहे हैं और लगातार मतदान के उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों से बात भी करेंगे यहाँ से, और जिस तरह से मतदान हर एक व्यक्ति को, नागरिक को करना जरूरी है, पहले मतदान उसके बाद जलपान, हम लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सलीम। तो आपने वोट डाला? कि डाल दिया। किसको डाला? वो तो डाल दिया, जिसे भी डालना। वैसे किन मुद्दों को लेकर डाला है? क्या मुद्दे? महंगाई कम हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है जी। कुछ नहीं हो रही सुनवाई इस बार, कुछ होना चाहिए ना देश के लिए। मोहल्लों में गंदगी नहीं दिखा, नाले वाले पड़े और इनके साथ कुछ नहीं हो रहा जी। और आप इन लोगों से पूछो, हमारे भाई। आपका क्या नाम है? जी यूनुस नाम है। तो आपने भी वोट डाल लिया? किन मुद्दों को लेकर वोट दिया था? भाई हम मुद्दे के आज हम तो बस डाल दीजिए इधर ग्रुप का। बहरहाल जो है यहाँ एक चीज देख पाया हूँ मैं, यहाँ लोगों की वोट नहीं आ रही। वोट नहीं आ रही, यहाँ परेशान है पब्लिक। अगर एक परिवार में से 10 आदमियों की या 4 आदमियों की वोट है तो एक आधे की आ रही, 3 की गायब है। अच्छा, वोट नहीं मिल रही यहाँ किसी की, बिल्कुल छीड़ पड़ी। इनकी वाइफ की नहीं मिली, नहीं मिल रही वोट। वोट नहीं मिल रही, वोट नहीं मिल रही, परेशान है लोग, पब्लिक परेशान है। क्या नाम आपका? पिछली बार मैंने पीछे से नहीं आ रही थी। पीछे से नहीं आ रही जी, वो बना के भेज रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, वोटें भी कटी हैं, काफी लोग परेशान हैं और वो लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम। आपने वोट डाली है? डाल दी सवेरी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है आपने? बस मुद्दा क्या जो हमारे अपने बात है, जिसे चाहे वैसे दे दे। अच्छा, आपका एजाज अहमद। अच्छा, आपने वोट किया? डाल दी। किन मुद्दों को लेकर वोट किया? वही नहीं मुद्दों पे, आपके सामने सड़क है, ये है हमारे इलाके बिल्कुल बेकार हो पड़े। अच्छा, क्या मैं विकास कोई विकास है? आप देख लो सामने, अरे ये रहे गड्ढे, इससे जो आदमी यूँ गिर जावे। ये रहे आपके, थोड़ा सा नमूना यही है जी। है या नहीं? हाँ जी, विकास गलत तो नहीं जी? बस इसको देख के ध्यान रखना। आपने भी वोट कर दिया? वोट मैंने तो कभी करने जा रहा हूँ जी, लेकिन फिर तो एक ही वोट आई, पूरे घर में से एक वोट आई केवल। अच्छा, और वोट ही नहीं है कोई, सात है, एक आई है। बताओ कैसा करें? सात लोग हैं, सात में से एक वोट आई बस, वोट मिली नहीं रही। बताओ कैसा करें? आपका क्या नाम है? जी गुड्डू। आपने वोट किया है अभी? जी वोट डाल दिए। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने? जी हमारे घर में नौ वोट हैं, नौ वोट इसमें क्या चार आई हुई। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है लोगों की समस्या यही है कि उनके परिवार में अगर 7-8 लोग भी हैं तो उनकी 1, 2 या 3 या 4 ही वोट आ रही हैं और वोट लगातार कटी हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन को ध्यान में रखना बहुत, जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनको ज़रूर दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको हिस्सा लेने का अधिकार है और जो अधिकार छीनना चाहते हैं उनका भी इलाज जरूरी है। आपका क्या नाम है? जी बताइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील खान। हाँ जी, वोट डाल दिया? हाँ, वोट डालकर आया हूँ मैं अभी। किन मुद्दों को लेकर वोट? मुद्दों को जो बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो हमारा CAA है। CAA को लेकर के हमने उसको ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग किया है। हमने जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में विपक्ष को वोट दिया है ताकि इन मुद्दों से बचा जा सके, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, ये से लेकर क्यों परेशान है जबकि सरकार ये कह रही है इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है? नहीं, नागरिकता छीनी जाएगी इसको लेकर के, इसी के इसको जो है एक मेन मुद्दा बना करके जो है ये चुनाव कराया जा रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पर ये ऐसे इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं हमें, जो बेसिकली हमारी जनसंख्या इंडिया के अंदर प्रवास करती है उसको प्रॉब्लम आएगी। उन सबको हमारा ही कर्तव्य है कि उनको भी बचाया जाए, तो इन चीज़ को ध्यान में रखा गया है। अच्छा, आपने भी वोट किया है क्या? जी अभी नहीं करी मैंने, अभी नहीं करा है। वोट नहीं कर ले, करूँगा मैं अभी जाके। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं जहन में आपके? बस बड़े वाले भाई ने बता दिया जो भी। अच्छा, ठीक।
तो आपने देखा किस तरह से लोगों को अलग अलग मुद्दे हैं और विकास की तरफ लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा यह दावा करती है कि विकास क्या है, वहीं कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाकों में विकास को सो दूर दिखाई देता है। और इसकी जीती जागती मिसाल ये इलाका है तारापुरी रशीद नगर का, जिसमें आप देख सकते हैं टूटे हुए रोड, बहुत बुरी हालत है और कहीं ना कहीं नालियों की भी यही हालत है। सफाई अभियान भी यहाँ छूकर नहीं निकलता है और स्वच्छता अभियान के जहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, सरकार बहुत बड़ा पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। फेसबुक न्यूज़ के लिए मैं शाविर सेंजरी। ज़्यादा जानकारी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको तमाम जानकारी मिलती रहे। देखते रहिए फेस टुडे न्यूज़।